हेलो माय डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 2 मैथ मैजिक के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 फुटप्रिंट्स पढ़ने वाले हैं और यह है पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम भोलू एंड द फुटप्रिंट्स पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को ट्रेस कैसे करते हैं वो सीखेंगे और फिर पेज नंबर 41 में गिवन रीड एंड ड्रॉ का एक्टिविटी करेंगे। इस चैप्टर में मोस्टली हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो लिंक और वर्कबुक सॉल्यूशंस का वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप क्लास 2 मैथमेजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं भोलू एंड द फुटप्रिंट्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमल्स डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आपको भी डांस करना पसंद है? तो हम यहाँ पे कितने एनिमल्स देख सकते हैं। ये है एलिफेंट। एलिफेंट के लेफ्ट साइड में है डॉग और एलिफेंट के राइट साइड में ये एक मुर्गी है हेन और उसके नीचे मुझे एक फ्रॉग दिखाई दे रहा है। एक दिन जंगल में बहुत बारिश हुई और ये सभी बेबी एनिमल्स मडी पडल में खेलने लगे। वन डे सम बेबी एनिमल्स वर प्लेइंग ऑन अ मडी रोड इन अ जंगल। जंगल में एक मिट्टी से भरे हुए रास्ते पे छोटे छोटे बेबी एनिमल्स डांस कर रहे थे, खेल रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन एन एलिफेंट शाउटेड रन। अचानक से ही हाथी ने चिल्लाया, जल्दी से भागो, रन, गो टू योर होम। भोलू इज कमिंग टू शूट विथ हिज कैमरा। भोलू एक अंकल का नाम है जो अपना कैमरा लिए हुए इन सभी एनिमल्स की फ़ोटो खींचने आ रहा है। तो इसके पहले कि वो तुम सभी बच्चों को मस्ती करते हुए देख ले, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। सो ऑल द बेबी एनिमल्स रन अवे। और जब भोलू वहाँ पे देखने आया तो उसे यहाँ पे क्या नज़र आया, वहाँ पे एनिमल्स तो उसे मिले ही नहीं। व्हेन भोलू केम विथ हिज कैमरा ऑल ही सॉ वॉज द फुटप्रिंट्स ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के फुटप्रिंट्स को ही भोलू देख पा रहा था। फुट का मतलब है हमारे पैर और प्रिंट्स का मतलब है हमारे पैरों की छाप। कभी क्या ऐसा हुआ है कि मम्मी पोछा लगा रही हो और आप जल्दी से दौड़ के वहाँ से गुजर गए तो आपके छोटे छोटे पैरों के निशान फ्लोर पे आ जाते हैं, या फिर शायद आपके पैर गंदे हो, आप कीचड़ के ऊपर से सीधा घर के अंदर चल के घुस के आ गए तो फ्लोर के ऊपर भी ऐसे ही फुट के प्रिंट्स बन जाते हैं, मतलब पैरों के छाप। वैसे ही भोलू को भी यहाँ पे सभी एनिमल्स के पैरों के छाप ही नज़र आए, निशान नज़र आए। कैन यू मैच द एनिमल्स विथ देयर फुटप्रिंट्स। तो यहाँ पे हमें जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये चार टाइप के फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, क्या हम इन्हें इन ऊपर वाले बेबी एनिमल्स के साथ मैच कर सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले इनके फुट को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे एनिमल के फुट में कौन सा शेप आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा सर्कल, थोड़ा सा ओवल, इस टाइप का शेप है। फ्रॉग के पैर कैसे हैं, 1, 2, 3, 4 टोज हैं इसके। हेन में भी पैर तो वैसे ही हैं लेकिन इसके 1, 2 एंड 3 टोज हैं और पीछे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है। और डॉग के पाँव थोड़े से सर्कल टाइप के हैं लेकिन उसमें भी 1, 2, 3, 4 पाँव है, इसे हम पॉ ऑफ द डॉग बोलते हैं। तो फुटप्रिंट में हम ये जो सर्कल सर्कल ओवल टाइप के फुटप्रिंट्स देख सकते हैं बड़े बड़े साइज के, ये किसके हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट का ही फुटप्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हमें पैर नज़र आ रहे हैं जिनके कितने टोज़ हैं, 1, 2, 3, 4 फोर टोज वाला हमने अभी अभी फ्रॉग को देखा। उसके बाद यहाँ पे ये जो फुटप्रिंट है जिसमें एक ओवल टाइप का शेप और उसके बाद 1, 2, 3, 4 पॉ जैसे निशान है, तो ये किसके फुटप्रिंट्स हैं, ये डॉग के फुटप्रिंट्स हैं। और उसके बाद ये फोर्थ वाला सबसे छोटे वाले प्रिंट्स जिनमें 1, 2, 3 टोज हैं और थोड़ा पीछे की तरफ भी है, तो ये पैर के निशान मुर्गी के हैं, हेन के। नाउ लेट अस ड्रॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग इन दिस बॉक्स। तो जैसे हमने टेक्स्ट बुक के फ़ोटो में भी देखा और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, सबसे पहले डॉग का एक पाँव होता है
और उसके बाद उसके 1, 2, 3, 4 टोज होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ड्राइंग करेंगे वो एकदम डॉग का फुटप्रिंट बन जाएगा। उसके बाद मेक द फुटप्रिंट ऑफ योर फ्रेंड, और उसके बाद आप खुद का भी एक फुटप्रिंट बनाइए फ्लोर पे और देखिए इज इट स्मॉलर देन योर्स। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बिना पैर को गंदा किए अगर आप अपने पैरों में पानी डालेंगे, उसे गीला करेंगे और फिर फर्श के ऊपर आके फ्लोर के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे, तो आपको कुछ टाइम के लिए फ्लोर के ऊपर अपने पैरों के प्रिंट्स नज़र आएंगे। और जब आप अपने पैरों के प्रिंट्स के साथ अपने फ्रेंड के पैरों के प्रिंट्स को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका पैर का प्रिंट ज़्यादा बड़ा है। अब हम किसी और चीज़ों का प्रिंट लेना सीखेंगे और इस टाइप के प्रिंट को लेने को हम ट्रेस करना बोलते हैं। ट्रेस एंड गेस, रॉन इज ट्रेसिंग अ लीफ। ट्रेस करने का मतलब है किसी भी चीज़ को रख के उसके ऊपर पेंसिल से उसके आसपास एक बाउंड्री बना लेना। तो हम सबसे पहले एक लीफ को ट्रेस कर रहे हैं। आप अपने नोटबुक में एक छोटे से लीफ को रखेंगे, उसके ऊपर उसके लेफ्ट साइड से पेंसिल को गोल घुमा के उसके बाउंड्री में, पूरे बाउंड्री में पेंसिल चलाएंगे और फिर जब हम लीफ को उठाएंगे हमें उस लीफ का ट्रेसिंग मिल जाएगा। सिमिलरली वी हैव टू ट्रेस फ्यू थिंग्स। लीफ के बाद हमें पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर को ट्रेस करना है इस तरीके से। एक छोटे से स्टिक को ट्रेस करना है जो कि दिखने में कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद अपनी मम्मी का बैंगल ट्रेस करना है जो कि गोल गोल सी एक ट्रेसिंग मिलेगी आपको। बिंदी को ट्रेस करना है जो एक छोटा सा ट्रेस आउट होगा। और इसी तरीके से हम अपने घर के आसपास की बहुत सारी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। बाउंड्री बना के ट्रेसिंग करना ये ज़्यादा ईजी है। सो उसी तरीके का ट्रेसिंग इस बच्चे ने भी किया। लेकिन क्या सिर्फ एक ही चीज़ के बहुत अलग अलग ट्रेसिंग हो सकते हैं? रूही मेड टू डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ द सेम बाउल। उसने एक कटोरी लिया, सबसे पहले उसने कटोरी को इस तरीके से ऊपर की तरफ सीधा खड़ा करके रखा और नीचे से उसने पेंसिल चलाई तो उसे कैसा ट्रेसिंग मिला, एक छोटा ओवल शेप मिला। और उसके बाद उसी कटोरी को उसने उल्टा करके नीचे रखा और उसके बाद उसने बाउंड्री पे ऐसे पेंसिल चलाई तो उसे ये कैसा शेप मिला, शी गॉट अ बिग ओवल शेप। इसीलिए आपको पूछ रहे हैं हाउ डिड रूही कीप द बाउल टू गेट टू डिफरेंट ट्रेसेस फ्रॉम इट। इन द फर्स्ट शी हैड ट्रेस्ड द बॉटम ऑफ द बाउल एंड इन द सेकेंड टाइम शी हैज ट्रेस्ड द टॉप मोस्ट बाउंड्री ऑफ द बाउल। और इसी तरीके से अलग अलग ट्रेसेस मिले। बाउल की ही तरह क्या कोई और चीज़ें हैं जिससे हमें अलग अलग ट्रेसेस मिल सकते हैं? लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूहीज बाउल विच कैन गिव मैनी डिफरेंट ट्रेसेस। तो जैसे कप, ग्लास, इरेजर, बॉटल, एप्पल, पेंसिल बॉक्स, शार्पनर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिन्हें हम ऊपर नीचे, साइड से, डिफरेंट पोजीशन करके अलग अलग ट्रेसेस पा सकते हैं। जैसे कप के ऊपर वाले पोर्शन में अगर हम ट्रेस करेंगे, इसे उल्टा करके रखें तो हमें एक बिग ओवल शेप मिलेगा और कप के नीचे एक स्मॉल ओवल शेप मिलेगा। वैसे ही ग्लास के ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम उल्टा करके ट्रेस कर रहे हैं तो बिग ओवल शेप मिलेगा, नीचे जब हम ट्रेस करेंगे तो एक छोटा सा स्मॉल ओवल शेप मिलेगा। इरेजर में भी अगर आप इस तरीके से उसे रख के ट्रेस कर रहे हैं तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल मिलेगा और इरेजर के इस पोजीशन में अगर आप पेपर में रख के ट्रेस कर रहे हैं तो छोटा रेक्टेंगल मिलेगा। वैसे ही बॉटल में अगर आप बॉटल के ढक्कन को उल्टा करके ट्रेस कर रहे हैं तो छोटा सर्कल मिलेगा और नीचे अगर आप ट्रेस करेंगे तो बड़ा सर्कल मिलेगा। चलिए अपने घर में ही अलग अलग लोगों के हाथ पैर को ट्रेस करते हैं। वी कैन डू दिस एट आवर होम ओनली। एक कोई भी वेस्ट न्यूज़पेपर आपको लेना है एंड यू हैव टू ट्रेस द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन योर फैमिली। आप अपने मदर के हाथ को ट्रेस कीजिए, फादर के हाथ को ट्रेस कीजिए, सिस्टर, ब्रदर, इवन पेट्स ऑल्सो। हु एवर इज देयर इन योर फैमिली यू कैन डू द ट्रेसिंग ऑफ देयर हैंड। और इन सब के हैंड्स का ट्रेस अलग अलग होगा, जैसे कुछ ट्रेस छोटे होंगे, कुछ ट्रेस बड़े होंगे। लेट अस रीड नेक्स्ट, रीड एंड ड्रॉ। अब हम ड्रॉइंग करेंगे। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन अ चेयर। यहाँ पे नीचे एक छोटी सी बच्ची है तमन्ना और उसकी मम्मी चेयर पे बैठी है, लेकिन ये चेयर और टेबल हमें नज़र नहीं आ रहा है।
तमन्ना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो वो भी उसके हाथों में हमें नज़र नहीं आ रहा है। हर मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और उसकी मम्मी ने हाथों में न्यूज़पेपर पकड़ के रखा है, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टेबल, एक टेबल के ऑपोजिट साइड्स में, मतलब ऐसी जगह से जहाँ से वो एक दूसरे को देख सकते हैं। वी हैव टू ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स इन द पिक्चर, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। तमन्ना के हाथों की स्टोरी बुक, तमन्ना और उसकी मम्मी एक चेयर पे बैठे हैं, चेयर भी मिसिंग है। उसके मम्मी के हाथों में न्यूज़पेपर मिसिंग है, और टेबल भी मिसिंग है जहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में बैठे हैं। सो लेट अस ड्रॉ। सबसे पहले तमन्ना के हाथों में एक बुक है, मम्मी के हाथों में एक न्यूज़पेपर है। तमन्ना की मम्मी एक चेयर पे बैठी है, और तमन्ना भी एक साइड से एक चेयर पे बैठी हुई है, और उसके बाद ये दोनों एक टेबल के ऑपोजिट साइड्स में बैठे हुए हैं, तो जिसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे भी टेबल बहुत अलग अलग शेप्स के बन सकते हैं, चेयर भी बहुत अलग अलग शेप्स के बन सकते हैं। इसी तरीके के मज़ेदार एक्टिविटी के साथ हम कुछ और चीज़ों को ट्रेस करेंगे इन आवर पार्ट टू वीडियो, सच एज द पोटैटो, बॉटल कैप, मैच बॉक्स कवर, शार्पनर एक्सेट्रा। और इसी तरीके के फन एक्टिविटी के साथ हम ये प्यारा सा ट्रेसिंग से भरा हुआ चैप्टर कवर करेंगे। सो वी विल मीट वेरी सून, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।